दोस्तों लॉकडाउन हटने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है, पति पत्नी को रखना चाहता है लेकिन पत्नी साथ रहना नहीं चाहती है। महिला सेल में कहीं भी काउंसलिंग होती है तो पति के पक्ष में बात आ रखी है, उसमें रिपोर्ट है ना जो पति के पक्ष में आई है, तो क्या पति को इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए पत्नी रहना चाहती है लेकिन पति नहीं रख रहा, महिला सेल कहीं भी काउंसलिंग हुई है उसकी रिपोर्ट है महिला के पक्ष में आ रही है पत्नी के पक्ष में, तो क्या उसका उसके आगे चलकर क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दोनों ही के लिए मैं कंबाइंड में वीडियो बना रहा हूँ, पति रखना चाहता है पत्नी नहीं रहना चाहती, पत्नी रहना चाहती है पति नहीं रहना चाहता, तो दोनों टॉपिक में काउंसलिंग की जो स्टेटिंग कंप्लेंट की जो होती है वहाँ से रिपोर्ट आपकी फ्यूर में रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं उसका आगे चल के क्या क्या एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। दोस्तों होता क्या कि कहीं जगह लोअर कोर्ट भी, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ले लीजिए, कहीं कहीं तो हाई कोर्ट भी इस चीज़ की रिपोर्ट मांगता है कि इनकी काउंसलिंग में क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की आप बात कर रहा हूँ मैं, पटना हाई कोर्ट में अगर आप डाइवोर्स अप्लाई पहले कर देते हो 498 कर देते हो तो आपको बेल तक नहीं देता, कहीं लड़कों की बेल रिजेक्ट हुई है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए पति रखना चाह रहा है, महिला सेल में, पुलिस थाने में, ADR में कहीं भी उनकी काउंसलिंग हुई, वहाँ पे उसने रखने की बात की, पत्नी मना कर दी, तो पति को इसके एडवांटेज मिलते हैं आगे चल के। डिजर्शन ग्राउंड पे भी और बिना कारण से वो साथ रहना नहीं चाह रही है, रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी, एक डाइवोर्स का ग्राउंड प्लस साथ में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, पति को ये बात का पूरा सबूत मिल जाता है, पूरी तरह से इसका सपोर्ट मिल जाता है कि पत्नी रहना ही नहीं चाह रही है, उस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, आपको आगे चल के डाइवोर्स का अच्छा ग्राउंड भी बन जाएगा। थर्ड पॉइंट 498 जैसे मामले में भी आपको डिस्चार्ज, चार्जशीट बनने के बाद डिस्चार्ज में डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें डिस्चार्ज आपका केस बिना ट्रायल से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं अगर आप अपना पॉजिटिव व्यू रखते हो और इसकी रिपोर्ट आप प्रॉपरली तरीके से रिपोर्ट बनवा लेते हो आपके फ्यूर में, तो आगे चल के इसको मेंटेनेंस केस में भी आपको इसको एडवांटेज मिलता है। आगे चल के आप बेल ले भी लेते हो तो अगर 498 जैसा केस करते हो तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिलता है, और आगे चल के आपका ट्रायल होने से पहले आप उसको चार्जशीट को डिस्चार्ज में जाके भी ख़त्म करा सकते हैं। बात करते हैं महिलाओं की, अगर महिला के सपोर्ट में पति रखना नहीं चाह रहा तो उस सिचुएशन में महिला को ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट के तहत सेक्शन 20-21 के तहत रहने के लिए मकान साथ में उसको खर्चा भी दिलाया जाता है पति से। देखो पति पत्नी के रिश्ते में बाउंडिंग नहीं है, आपको सबको पता है कि ज़बरदस्ती से पति और पत्नी के बीच को ज़बरदस्ती दोनों को एक साथ में नहीं रखा जाता, लेकिन पता है महिलाओं को सपोर्ट करता है कानून, एक महिला के साथ बाल बच्चे भी होते हैं, काफ़ी महिलाएं होती जॉब भी नहीं करती, तो इस वजह से पति पर काफ़ी प्रेशर डाल दिया जाता है कि उसको रखना ही पड़ जाता है, जैसे उसे अलग से मकान बना के देने की कंडीशन रह जाती है। सेक्शन वुमेन प्रोटेक्शन में 17-18-19-20-21 तक पूरे महिला को सपोर्ट करते हैं, तो महिला को रहने का खर्चा, राशन, सेक्शन 12 मेंटेनेंस, सेक्शन 24 में हर किसी में मेंटेनेंस या वन टाइम एलिमनी देने का भी राइट होता है, और वह हर्जाना इतना ज़्यादा हो जाता है कि पति को रखना ही पड़ता है, छोड़ नहीं सकता है। तो महिलाओं को काफ़ी कुछ राइट मिलते हैं अगर महिला के पक्ष में है, और पति के पक्ष में है तो मेंटेनेंस वगैरह डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है।